हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कटहल का कुचा। आप इसे कटहल का सूखी सब्जी भी बोल सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कटहल का कुचा बनाने के लिए हमने कटहल को अच्छे से काट कर धो लिए हैं और देख सकते हैं इसका हार्ड वाला पर्शन को भी हम निकाल दिए हैं। साथ में हम दो मीडियम साइज का प्याज काट कर ले लिए हैं, दो हरी मिर्च, एक सूखी मिर्च, आधा चम्मच साबुत जीरा और एक तेजपत्ता लिए हैं। इनको हम फोरन में देंगे। यहाँ हमने एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर लिए हैं। अदरक लहसुन को हम कूट कर ले लिए हैं और एक बड़े साइज का टमाटर हम इसको भी काट लिए हैं। तो सबसे पहले हम कटहल को बॉईल कर लेंगे। सारे कटहल को हम कुकर में डाल देंगे। इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी ऑयल डालेंगे ताकि कटहल में जो लस्सा होता है वो कुकर में ना लगे। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद कुकर में हम दो सीटी आने तक बॉईल करेंगे। हमने दो सीटी लगा कर कटहल को बॉईल कर लिया है। अब इसे हम कूटनी से कूच लेंगे। आप चाहे तो सिलपट्टे का लोढ़ा से भी कूच सकते हैं। देखिए, इसी तरह से कूच कर इसे कीमा बना लेंगे। देखिए, इसे हम अच्छे से कूट कर कीमा बना लिए हैं। उसके बाद हम कढ़ाई में दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हम तेजपात, जीरा और मिर्च का फोरन देंगे और इसे हल्के भून लेंगे। इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी में हम हरी मिर्च डाल देंगे। देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें कुटी हुई अदरक और लहसुन को डाल देंगे और इसे भी एक मिनट भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे भी दो मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। हम टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें मसाले को डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसे ढक कर फ्राई करेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें से तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कूटा हुआ कटहल को डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमारा कटहल का कुचा बनकर तैयार है। अब इसे सर्व करते हैं।
तो फ्रेंड मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग को? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।